नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। अगले साल विधानसभा का चुनाव यूपी में होना है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। खुद योगी भी जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। यूपी में इस वक्त योजनाओं की गंगा बह रही है, ऐसे में अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि क्या बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया। पी चिदंबरम ने कहा है कि जिस तरह जेसिका लाल की हत्या किसी ने नहीं की, ठीक उसी तरह बाबरी मस्जिद को भी किसी ने नहीं गिराया। चिदंबरम ने यह बात अपने साथी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के विमोचन के मौके पर कही है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वह गलत था। इस घटना ने हमारे संविधान को बदनामी दी। एक साल या उसके भीतर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा जेसिका लाल मर्डर केस में हुआ था। जिस तरह से जेसिका को किसी ने नहीं मारा, ठीक वैसे ही बाबरी मस्जिद को किसी ने नहीं गिराया था। इतना ही नहीं, पी चिदंबरम ने यह भी कहा कि समय बीतने के साथ अयोध्या के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। यह एक सही निर्णय बन चुका है, लेकिन फैसला सही नहीं है। यह बात हमें हमेशा के लिए परेशान करेगी कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश के आजादी के 75 साल बाद हम यह कह पाने की स्थिति में हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराया। हालांकि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख की। सलमान खुर्शीद ने कहा है, अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट को इस हल में अपना फैसला निकाल लेना चाहिए था। तो साफ तौर पर जिस तरह से अब अगले साल में यूपी में चुनाव होने हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो रहे हैं। फिर से एक बार चुनाव से ठीक पहले बाबरी मस्जिद का ये मामला जो है वो फिर से कांग्रेस ने उठा दिया है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष के लोग इस पर क्या जवाब देते हैं। हालांकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करना नहीं भूलते हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से चुनाव के मौसम में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गतिविधियों को तेज कर देती है, ऐसे में किसी दल या किसी नेता के द्वारा दिया गया बयान कितना घातक सिद्ध होता है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।